क्या हम हमें स्लॉट नहीं मिल रहा इंटरनेशनल, और हम हैकर से कैसे बचे? भाई ये दो क्वेश्चन में आप पहले बता, अगर आप टीयर वन पहुंच गए हो, आपको सैलरी मिल रही है महीने का, तो फ्यूचर है। पहले आप टीयर वन पहुंचो, फिर आप इंटरनेशनल का सोचो। इंटरनेशनल तो भी बहुत लंबा रास्ता है, वो हम भी नहीं सोच रहे। तो आप लोग जो अभी टी वन बने ही नहीं हो, किसी और में साइंड ही नहीं हो, तो आप लोग क्यों सपने देख रहे हो यार इंटरनेशनल के? पहले इंडिया में टीयर वन बनाओ, फिर सोचो। हेलो स्काउट ब्रदर, अरे अरे गोल्डी भाई कैसे हो? वेलकम वेलकम टू द चैट। अरे हाँ, मैंने रिसेंटली देखा यार, गोल्डी भाई नाम सबको अभी आ रहा है। भाई क्या चल रहा है यार, तुम लोग मेरे को एक बात बताओ। SA12, TX, गॉडेल सब राइवल्स, ठीक है? गेम में चीज़ें होती है, गेम खत्म, सब खत्म, तो सब में भाईचारा है। सिंपल सी लॉजिक यार। ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई आमने सामने देख के नजर नहीं मिलाएगा, चाकू लेके दौड़ लेगा, नहीं होने वाला है। तो भाई झगड़ना बंद कर दो यार, मतलब पोखी मिनट में छोटा सा बैंटर किया, लोग बौखला गए। मैंने कल ऐसे बोला कि बेस्ट टीम है मेरी, ऐसा तो भाई मैं थोड़ी बोलूंगा कि SA12 बेस्ट टीम है, गॉडेल बेस्ट टीम है, मैं अपनी टीम को बेस्ट टीम बोलूंगा ना यार। अब हम ऑब्वियस बात है, स्टैट्स बोलता है जो लास्ट चैंपियन होता है नेशनल का वो बेस्ट टीम होता है। जैसे BGMI हम लोग है, आर्यन टीएक्स लाए, मैं नहीं हूँ भाई। हाँ कल बोल रहे थे खुद नहीं देखे, भाई सॉरी माफ करना, मैं खुद नहीं था, मैं तो बहुत खुश हैप्पी, बट मेरी टीम जो है वो टीम जीती है बैक टू बैक दो, जो आपकी सपने में भी आपकी टीम अचीव नहीं कर सकती, तो उन लोग बेस्ट है। तो ऐसे जो भी पोकेमॉन में लास्ट टाइम कौन था जीता था, ऐसे भी तो ऐसे टीम बेस्ट होगी, बट मेरे लिए मैं अपनी टीम को बेस्ट बोलूंगा यार। बेस्ट होकर भी हारे रियल बेस्ट टीम से। हाँ ना, मतलब क्या बोले, मतलब यार चिल मारा करो भाई, बैंटर को बैंटर वे में रखो, हर चीज में पर्सनल होकर बौखलाया मत करो यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेगुलर बातें होती है भाई, आप लोगों को लगता आप जरूरी नहीं होता हर चीज सोशल मीडिया में आके दिखाना। जो आजकल ट्रेंड चलता है ना कि भाई किससे मिल रहे हो तो तुरंत फोटो क्लिक करके डाल दिया, भाई मैं इससे मिला हूँ, ये होगा, नहीं नहीं करते यार हम, तुम लोग चूतिया बन के रह जाओगे, मत क्या करो ये सब। कैसा है ना कि देखो ऊपर लेवल पर नहीं होती है झगड़े, चूतिया कर जाता है फैंस का। आपको देखो, आपको जेनुअनली बताओ, BGMI कम्युनिटी को नीचे नजर से देखते हैं, जो फैक्ट आपको स्ट्रेट अप बोलता हूँ। रीजन क्यों, हमारी हरकतें वैसी हो चुकी है। बाहर पीसी गेमर्स को, बाहर इंडिया में ही पीसी गेमर्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते लोग। हाँ भाई पीसी में हम जैसे जब बोलते हैं ना कि भाई मैं बोलता हूँ ना BGMI खेलते हैं, ओ पबजी खेलते थे आप, मोबाइल में खेलते हो, मतलब है ही, तब क्या बोले अब इसमें। तो ये पर्सपेक्टिव बदलना है, उसके लिए हमें भी मच्योर होना पड़ेगा। बहुत जगह पे लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि जो BGMI स्ट्रीमर्स की ऑडियंस है वो बच्चे हैं, दिमाग से चूतिए हैं, ऐसे बोलते हैं। मैं बोलता हूँ भाई हमारे पास ऑडियंस जो है वो जेन्युइन बंदे हैं, और हमारी नहीं तेरी। भाई भाई तू देखो एपिक विनीत गेमिंग, मतलब तू भी परस्यू कर रहा है एक गेमिंग क्रिएटर बनने का, पर तू बन नहीं पा रहा। आप अपने नाम का गेमिंग लगाते हो, फ्री फायर लगाते हो, BGMI लगाते हो, वैलोरेंट लगाते हो, मतलब आप परस्यू कर रहे हो कि भाई मुझे गेमर बनना है, पर बन नहीं पा रहे। तो आप जब इस स्टेज पर पहुंचोगे तो आपको भी सुनने मिलेगा, आई होप आप पहुंच जाओ गेमर ऑफ द स्काउट। भी आर टी एक्स कुणाल, थैंक यू सो मच, 1000 गेमर ऑफ द ईयर स्काउट ओपी का वाला अवार्ड जो मिला है वो आई थिंक ये रहा, यहाँ रखा हुआ है अवार्ड, बट हम इसको थोड़ा लेवल अप करें। रोहित भाई से करवाता हूँ रिक्वेस्ट करके, आज ही मेरे से बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए पूछ रहे थे। गोल्ड भाई देख लो, ये आपकी और रोहित भाई के बीच की बातें हैं, मेरे को इसमें इन्वॉल्व ना करें। उम्र में जो हमसे बड़े हैं, हम उनके बीच में क्यों जाके बोले, दोनों 30+ वाले आदमी हैं, हम तो छोटे हैं, हम क्या ही बोले।